आप लोग कैसे हो, ठीक हो? तो हमारी वीडियो पूरी देखा करें, आगे लिंक शेयर किया करें। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, तो अभी साग तोड़ रही हूँ। मेरी बड़ी वाली नंद कह रही है कि साग खाने का बड़ा शौक है, मैंने कहा खोलूं। ठंडी बहुत है, हालांकि हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, शबनम से जो है ना पूरा भीगा हुआ है। गाँव में सर्दी बहुत है, कक्कर जमे हुए। लेकिन उसने कल से कहा है ना जी, तो अभी मैंने कहा तोड़ के चढ़ा दें, इसकी तैयारी का भी कोई पता नहीं है, एकदम फिर ये जो है ना गांव कराची चली जाएगी। तो हमने बोला इसको तोड़ के जो है ना खिला दें। हम लोग तो हमेशा ही खाते थे, अक्सर ही हम लोग जो है ना वीडियो में शेयर भी करते रहते थे। अबनम भी बहुत है, इसके अंदर जा नहीं रही, जाऊंगी तो पूरे कपड़े मेरे भीग जाएंगे, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। लेकिन खोना तो है, क्योंकि छोटे दिन हो गए, पता भी नहीं चलता टाइम का कि कब गुजर गया है, कब खत्म हो गया है। गांव की चीजें जो है ना ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश। और ये वाला अमरूद मेरे अब्बू का है, अभी खत्म हो गया है अमरूद, पहले बहुत सारा था, बच्चों ने तोड़ के खा लिया है। अब इसके अंदर चल तो रहे हैं, पानी तो है, बाहर से नहीं होगा गुजारा। लकड़ियां काटने के लिए आए, लकड़ियां खत्म हो गई, काट रही हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ आ नहीं रही, देखें नहीं आ। ससुर का साग बना रहे तो मुझे लकड़ी काटने आ नहीं रही, तो अभी मैंने किरण से कहा कि तुम काटो। लकड़ी जी काट लिए, अब लेके जा रहे। सर्दी बहुत है यहाँ पे, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, टाइम ही नहीं जा रहा, पता नहीं कैसे ये काम कर लेते तो भी ले। नहीं खाई यार, मजाक बुला रहे सब मेरा यार, एक तो करती रही हूँ फिर भी लेके जा रही हूँ। लकड़ियां काट के आ गए, जैसा कि मामी ने धुआं मचाया है पूरे कमरे में, इतनी धुआं की आंखों से आंसू आ गए। मामी सही लकड़ी जलाए, कैसे क्या काम कर रही है आप ये? सही दाड़े नहीं दिया। वाह मामी, लकड़ियां भी काट के दी है, पानी भी भर के दिया, साग भी काट के दिया, सब कुछ करके दिया, आग नहीं जला के दे। मुझे आती ना आग जलाने, तो मैं खुद जलाती आग भी। मम्मी यार की फरमाइश थी, इसको झूला खिला रहे हैं, हम अपन झूला पे नहीं है, एक ट्रॉली में लेके इसको घूम रहे हैं यार, उसको भी मजा आ गया, इसको उतारते उतर भी मजा आ गया। आ जाओ आराम, बस खत्म हो गया, टिकट तुम्हारी खत्म हो गई, आ जाओ। वाह भाई वाह, मजा आ गया इसको। नहीं मामू ने टिकट के पैसे भी नहीं दिए, मुफ्त में झूले खा रहे। अबू से बोलो पहले पैसे दे। चलो भाई इसको एक और राउंड, चलो एक राउंड भाई, जिसको भी झूले खाना है वो भी आ जाए। लकड़ी वगैरह जैसे कि काट के आ गए, पानी भी रख दिया, अभी जो ना हमने जो पालक को साग काटी है ना, अब वो धोएंगे। सब कहते हैं ना कि यहाँ पे कुहीर होती है, शमदम धो क्या, कुहीर जो होती है उससे धुल जाती है, साफ होती है, लेकिन नहीं हम फिर भी धो रहे हैं इसे। तो मुर्गी ने जो अंडे दिए थे अलहमदुल्ला उसने पूरे कंप्लीट बच्चे दिए, ये इनको जो है ना घास फूस डाल रहे हैं, ये खाएंगे। छोटे छोटे कहा, चलो सारे चूजे पकड़ लिए। अभी एक चूजा जो है ना वो उठा के ले गया है, कौवा कौवा ले गया, कौवा खा गया है।
तो मैंने कहा इसमें घास वगैरह जो है ना डाल दूं, तो वो सारे के सारे बाहर निकल गए। तो कवे की वजह से जो है ना इसको इसके अंदर जो है ना कवर किया हुआ है, कवा जो है ना इनको फौरी बाहर निकाले खा जाते हैं। तो भांजी को जाना बाहर, जो हमने जो कास्ट की हुई थी जो वीडियो में दिखाते थे वो भांजी को दिखाने के लिए ले आऊं, क्या क्या हम लोग ने जो है ना गांव में आके कास्ट की है। तो सबसे पहले ये है घास उगाई है जानवरों के लिए, बकरी के लिए, इसमें वो है अपना क्या हो गया साग और बरसीन है, दोनों साग। हाँ दोनों साग। और ये पालक और प्याज की जो है ना कम है, और ये निकाल के, ये निकाल के जो है ना, ये बेटा ये प्याज की पनीर ही है, ये प्याज जो है इससे तैयार होती है, ये निकालेंगे और ऐसे ये बनेंगे, ऐसे लगाएंगे, ये प्याज की पनीर ही और पालक एक साथ है, और पालक भी पक चुकी है, अब इसको कटने का टाइम है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है जी, ये कटने का टाइम है। वीडियो में इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी सामने से देखने से, बहुत चीज प्यारी लग रही है। और जो हमने जो प्याज लगाई थी तो 12 दिन के अंदर, अभी थोड़ी सर्दी भी कम हो गई है तो माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी हो गई है प्याज, अभी 3-4 महीने में मेरे ख्याल में ये तैयार हो जाएगी प्याज, ये देखें। तो ये पालक जो है ना हम लोग ने जो साग चढ़ाया है, पालक हम लोग ने यहीं से काटी है, तो जितनी ज़रूरत थी वो काटी है, बच्चा ये रहने दिया है, और वो वाला भी 12 हम उसको कहते हैं, तो उसमें भी पालक लगी हुई है अभी, उधर जो ये काटी है कैसे निकल आई फिर से दोबारा हो गई, मगर सही अभी नहीं काटी है, इसमें से एक एक पत्ता निकालना चाहिए था, जैसे लग रहा है कुछ आला कर दिया इसका। ओए ठंडी आवाज। तो इधर भी घास वगैरह लगाई हुई है बकरी के लिए, इसके पर जाना तोड़ के काटी है, वाइगी भी नहीं तोड़ने के, छुपी हुई है पीछे कैमरे के। ये लो भाई, आजा भाई, अब रूट तोड़ के दे दो, आजा, मेरा तो वजन ज्यादा है, आजा जल्दी से, आ जाओ भाई, वैसे तो कहती थी दूर से बैठ के कहती थी आ जाओ अब रूट तोड़ के खाओ ये खाओ, अब बुलाते तो आ नहीं रहे, ये आएगा भी नहीं मेरे पास, तोड़ तोड़ अब रूट तोड़ रहा है ना, वो देखो डंडा भी रखा हुआ है। प्यारे और कहा गया, यहाँ तो ढूंढना भी मुश्किल है, जीजा एक मिला है अरबी वो भी साफ काट दिया है, तो अभी पालक साफ किया, अभी ये काट रहे हैं, फिर धो के साथ में डालेंगे। तो बेटा जो सामान खत्म हो गया था वो लेके आया हूँ, ये मिर्ची ली है, ये चाय की पत्ती ली है 1000 रुपए की, और आपकी पुप्पो ने फरमाइश किया था ना कि चावल के आटे की रोटी खानी है, तो 2 किलो जो है ना ये आटा मिला है, 260 रुपए का ये मिला है, 2 साबुन की टिक्कियाँ लाया हूँ, 150 रुपए की ये है, ये क्या है लाल मिर्च खत्म हो गई थी ना, और 10 किलो वैसे ही आटा ले लिया क्योंकि ये 2 किलो मिला है और आटा नहीं मिल रहा था। तो जी साग पक्के माशाल्लाह से तैयार हो गया, अभी पक्की नहीं हुआ बिल्कुल रेडी, अभी जो है इसमें मंजा लगाया जा रहा है, और इसको जब पीसेंगे तो उसके ऊपर टिक्का लगाएंगे और मजीद भी इसके अंदर और भी चीज़ें डालेंगे या नहीं डालेंगे मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन हम जो बनाते हैं बस वो टिक्का लगाते हैं और पता नहीं क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, तो लग तो बहुत मज़े का रहा है, तो होगा भी बहुत मज़े का, तो आप जिसने भी खाना है वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे मट्टी वगैरह डाल दी है, इसको सीधा करने हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है ना ये कोना बेहतर हो गया है, थोड़ा बहुत रह रहा है,
ये स्लो स्लो जो है ना ठीक हो जाएगा, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सफाया हो जाए और बिल्कुल ही अच्छी जैसे नॉर्मल सैन था वैसी हो जाए। आप लोग वीडियो मुकम्मल देखा करें, आगे लिंक शेयर किया करें, चलो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ें और व्यूज़ भी बढ़ें। चावलों का आटा भी महंगा कर दिया है। तो अभी दे हमें इजाजत, रोटी हमारी पक रही है, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।